श्री प्रभु हुआ आज। और सब ठीक है? हाँ बाबा जी ठीक। चलो बढ़िया। हाँ ठीक है। यह घुघते बनने की, और ये मैंने बनाया है जो कि देखो चिंगोटी भी मार देती हूँ मैं। ये देखो ये हर्षित ने क्या लिखा है गाइस, आप लोग भी बताइए, और जो जो पहचान सकते हैं वो कमेंट करके बताएं। सजाया है, संवारा है और इस संस्कृति को बढ़ा रहे, इसके लिए आप बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। बिरवी की रोटी बन के रेडी हो गई है। आज मेरे को त्योहार बोलना नहीं आ रहा था, मैं बुबू से बोलूंगा। बुबू आज क्या है? चिड़ी घुगुती, मकर संक्रांति। और तो गाइस बाहर का मौसम भी देख सकते हैं, बहुत ठंडा है। और तो गाइस हम भी आ चुके अपने घर, और सारे मेरी चाची और हर्षित, मैं, मेरी मम्मी हल्द्वानी से, और चाची और हर्षित देवरिया से आ चुके हैं। और यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है गाइस। और तो आज है मेला लगा है। हाँ तो गाइस, तो मैं अम्मा से पूछूंगा कि कहाँ है अम्मा। अम्मा पूजा कर रही है। आज के अम्मा हैप्पी घुघुती, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी खिचड़ी, हैप्पी 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 गंगा स्नान। खिचड़ी का फिर खिचड़ी बनेगी ना? अच्छा बनाई नहीं है ना? खिचड़ी बनती है यार। हैप्पी हैप्पी घुघुती, हैप्पी मकर संक्रांति। और आज मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? आप सब लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? मकर संक्रांति मनाते हैं, ये माघ का महीना पर्व पवित्र होता है, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है माघ मास। इसमें अच्छे हवन पूजा पाठ अच्छे काम होते हैं। देख सकता हूँ मंदिर सजा हुआ। कौवे को घुघुती, वो कौवे को घुघुती देते हैं, कौवे को आटे में। और हमारी घुघुती कहाँ गई? मैंने दे दी कौवे को सवेरे। सवेरे दे दी, खाया उसने तुम्हारे? हाँ खा के बैठा पड़ा है वहाँ पर, स्नान करके आ गया कौवा। ओम नमः शिवाय। कहाँ से स्नान करके आया? नमः शिवाय, गंगा में, गंगा जी में स्नान करके आ गया कौवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हार्दिक जय हनुमान लाला की जय। ओम श्री जगन रघुनाथ का जाके एक बार से गिरवर का मेरी मुख में आ। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पर। हाँ अम्मा ने बोला जैसा वैसा आप मतलब कमेंट करके बताना मेरे को कि अम्मा ने बोला क्या। हम भी आपकी कमेंट्स चेक करते हैं। पर आज ढेर सारे कमेंट्स आने चाहिए, और आज का लाइक एम रखेंगे हम लोग 1000, ओनली 1000। गाइस ये मेरी मम्मी, और मम्मी को आज बुखार है, तो मम्मी ने आज शुरुआत नहीं की, मैंने करी व्लॉग की। तो सभी दोस्त पर एडिटिंग तो मम्मी करती है रोज। तो सभी दोस्तों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज है घुघुतिया त्योहार, और घुघुतिया त्योहार पर बनाई जाएगी घुघुते खिचड़ी, हैप्पी खिचड़ी। हमारे किचन में आज क्या बन रहा है घुघुते, रसोई में हमारे यहाँ वैसे आज हमारे पहाड़ियों में खिचड़ी बनाई जाती है। तो ये तो कार्तिक आपको दिखा के लाएगा कि आज हमारी रसोई में क्या बन रहा है। अभी बन नहीं रहा है, अभी बनेगा। सो गाइस मैं बैठी हूँ अभी बिस्तर में ही, और मेरा ना कोई काम में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ना कुछ शरीर में अच्छा सा नहीं लग रहा है, मतलब फीवर भी है और शरीर ऐसा लग रहा है कि अजीब सा हो रहा है।
कि पूरे शरीर में बॉडी में दर्द सा हो रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो किसी काम में ना मेरा मन भी नहीं लग रहा है। तो मैं ना अपने बालों में कोंग ही कर दी थी, तो कोंग भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या ही बताऊँ मैं, कुछ अजीब सा ही हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। आज तो मेरी ब्लॉगिंग शायद कार्तिक ही करेगा, क्योंकि मेरे से तो हो नहीं पाएगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है, और क्या ही बताऊँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स थोड़ी देर में। आप मम्मी जी ने जो है आज चावल निकाले हैं, और तुम्हारे भी ये वाले, ये रखे खिचड़ी के चावल, और यहाँ पर को ना अब हमारे बन रहे हैं घुघुते, और घुघुते का आटा निकाल दिया है, और खाना तो पीना तो सब कुछ हो ही गया है। और यहाँ का मौसम देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हो रखा है, ये देखिए धूप तो यहाँ दिखती नहीं है, पता नहीं क्या ही हो गया है। और बाबा जी आ गए हैं, ये देखिए ये आ गए हैं बाबा जी, बाबा जी आ गए हैं। तो गाइस ये मेरा रॉकी, रॉकी बाबा जी गए। हां जी, अरे काम सारा जा जा जा। बाबा जी की बात खिचड़ी है, हां खिचड़ी लाओ जे, ला रहे अभी। गाइस ये एक पागल बंदर, पागल बंदर, और ये है मेरा रॉकी। अम्मा आगे खिचड़ी देने, तो अम्मा देगी खिचड़ी। खिचड़ी का क्या करोगे हैं बाबा जी? खाएंगे खिचड़ी, प्रभु हुआ आज। और सब ठीक है? हाँ बाबा जी ठीक, चलो बढ़िया, ठीक है। अन्ना पी पोतों से भले भगवान सदा सुनी रहे। आज बाबा को फिर करेंगे जाके, सुतनिया नहीं है बाबा, लाल वाली लोग बजा के ऐसी करी थी। हाँ बाबा को दक्षिणा दो, भगवान की बनी रहो, 10 रुपए की कहाँ मिलेगी? और करना है कुछ काम, ओ म्यूजिक म्यूजिक बात करो भाई, लेके लेके लेके। गाइस ये मेरा लॉकी बीमार हो रहा है बेचारा। कौन सा रुपये की आती है? क्या वो अंदर का पढ़ा है आज जो पैसे भी मांगने लगे हो तो घुघुते के लिए आटा गूंदने लगे हैं, पर दूध भी ले आए हैं, और ये है सूजी, और ये है तिल, तिल सफेद तिल जो कि इसमें डालते हैं, और अभी डालेंगे, डाल दिया होगा इसमें घी, दूध, घी, गुड़ पड़ेगा। हैप्पी घुघुती, घुघुती तिल, मैं भी बनाऊंगा तिल, तिल तिल थोड़ा ना बनाएगा, घुघुते बनाएगा, घुघुते बनाऊंगा। पहले हाथ धो के आना सब लोग, जाओ अम्मा अभी हाथ धो के, मैं 25 बार दे दिया। तो आटा गूंदने लग गया है, ये देख सकते हैं घुघुते का, दो लोग लगे हैं इधर और एक वीडियो में लगी है, ये देख सकते हैं। और हमारे यहाँ ना लाइट भी चली गई, ऊपर से अंधेरा हो गया पूरे घर में, इन्वर्टर भी खराब हो रहा है। बनाते हैं घुघुते, और हवा तो इतनी चल रही ना, भयंकर हो रहा भाई मौसम, मौसम के तो कहने ही नहीं है, यहाँ इतना खराब हो रहा है कि डर डर लग रही बाहर को देखने में। शुरुआत होने लग गई है घुघुते बनने की, और ये मैंने बनाया है जो कि देखो चिंगोटी भी मार दी थी मैं, ये देखो ये देखो, तभी तो पता चलता है मैंने बनाए हैं करके, ये मैं निशानी छोड़ देती हूँ अपनी। ये मम्मी जी का देखो ये, और देखो हमने किसे दमोए जैसे बना दिए हैं, ये देखो अभी पूरा बना देंगे, जैसे पहले अंदाजा नहीं आया, ये देखो दिख भी तो नहीं रहा है अंधेरे में, कुछ नहीं दिख रहा, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। तो कार्तिक ने भी जो है ना ये घुघुता बना दिया, दिखाओ कार्तिक अपना, अरे थोड़ा सा ये छोटा हो रहा है, लो निकाल करके अब तोड़ दिया है बेवकूफ ने, हट बेवकूफ है तू। अब हर्षित ने क्या बनाया, दिखा हर्षित, डमरू दिखा दो, डमरू, अरे ये डमरू बना दिया है, right. हर्षित ने तो डमरू बना दिया है, अच्छा है। इसके अम्मा भी डमरू बना रही है,
ये सब आप डमरू बजाने वाले हैं, सब डमरू बना रहे हैं। हाँ, इसने घुघुता बना दिया है। ये देखो कार्तिकी का घुघुता। अब डमरू में आ गए। ये हर्षित ने क्या लिखा है गाइस, आप लोग भी बताइए, और जो जो पहचान सकते हैं वो कमेंट करके बताएं कि क्या लिखा है हर्षित ने। कार्तिक ने लिखा है भूती, हैप्पी भूती। जब बच्चे हो रहे हैं लगी है घुघुते है। अरे कोई ठंडा लगा दो गाइस, ये बढ़िया एक नंबर गाय। यहाँ पे खजूरे बना रहे हैं, माँ का गड्ढा भर गया वो गड्ढे तो इनके सभी के भरे ही हैं। ये जुकाम हो गया, क्या हो गया, यहाँ हमारे खजूरे बनने लगे हैं अब। और तिल दिख रहे हैं इसमें सफेद सफेद, देखिए गाइस, देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया लग रहे हैं। और लाइट भी आ चुकी है हमारे यहाँ, तो बन गए हैं यहाँ खजूरे और पहाड़ियों का स्पेशल घुघुतिया तैयार बन गया है भाई। कितने बजे से, 10 बजे से बना रहे थे हम और 12 बज गया हमको, 2 घंटे बनाते बनाते फाइनली बन गया है। और बुबू अभी जो है घुघुते जो है ना तल रहे हैं अब। सो गाइस, शाम के 4 बज रहे हैं और मैं ना अभी उठ रही हूँ, और अब जो है ना मेरा हो रखा है मेला जाने का, मतलब कि जो उत्तरायणी मेला लगा है उसमें जाने की तैयारी चल रही है। तो मैंने ना अपने को पूरा पैक कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ठंडा लग जाएगा नहीं तो। तो भाई तो चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। उत्तरायणी मेला अगर लगा होगा, मतलब अभी तक चल रहा होगा, तो आपको भी दिखाऊँगी, अदरवाइज फिर तो क्या ही दिखाऊँगी, फिर तो मार्केट जा ही रहे हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। और मुझे लग रहा है थोड़ी देर में खत्म ही होने वाला होगा, और हम लोग जो है ना अब पहुंचे हैं, क्योंकि भाई क्या ही कर सकते हैं, बच्चों को लेके जाएंगे। सजाया है, संवारा है, और इस संस्कृति को बढ़ा रहे, इसके लिए आप बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी, आजकल टाइम क्या है भाई, YouTube का है। मैं निवेदन करूंगा जितने भी यहाँ पर बैठे आज जरूर जाकर इस गीत को सुने। तो फ्रेंड्स, हम लोग ना उत्तरायणी मेला देख करके घर पहुंच गए हैं। मेरा तो ज्यादा मन लगा नहीं, यहाँ पर थोड़ी देर रुकी मैं, सिर्फ आधा घंटा, उसके बाद मैं आ गई घर। और घर अब आने के बाद हमारे अब बनने लगे ना त्यौहार, क्योंकि भाई हमारे यहाँ ना शाम के वक्त होता है त्यौहार, तो घुघुते बनकर तो हमारे रेडी हो ही गए थे, और यहाँ पे अभी बना रहे हैं। अब यहाँ पर को बन गया हमारी चने की सब्जी, ये यहाँ पर बनने वाली है, और इसमें भी ना लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डालना है, तो सब्जी भी थोड़ी सी वैसी लग रही है, लेकिन थोड़ा सा पकेगी तो फिर सही हो जाएगी गाढ़ी गाढ़ी सी। और मम्मी जी के व्रत की वजह से कुछ नहीं डालना है। और यहाँ पर को भी मांस वगैरह पीस दिए हैं, इधर भी मांस पीसे हैं, इसके तो घर में बनेंगे, और इस वाले के ना बड़े बन रहे हैं,
तो बड़े बनने के लिए भी बनने लग गए हैं, मतलब कि यहाँ पर थोड़े से बन गए हैं, ये बन गए हैं यहाँ पर, यहाँ पर बड़े बनने लग गए हैं। वहाँ मम्मी जी के लिए चाय गर्म हो रही है। तो फ्रेंड्स, बेड़वे की रोटी बन के रेडी हो गई है और ये देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, फूली फूली। इसमें देखिए आप, वाह शानदार। और यहाँ पर हमारी सिवई की खीर भी बन करके रेडी हो गई है और अब लगाते हैं आमा भूख के लिए खाना, क्योंकि आमा का व्रत है भाई। तो फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया है और खाना पीना खाने के बाद ना हम लोग चल रही है मूवी, वो भी हॉरर मूवी, तो हम लोग देख रहे थे हॉरर मूवी। तो भाई, आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।